13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। वारिस चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं मेरी औलाद भले भूले। इसके लिए मुझे किसी दूसरी औरत से निकाह करना है। काराबेग, उससे मोहतात रहें भाई। नोयान के पास मौजूद था वो जब मैं उसकी कैद में था। ये क्या कह रहे हो तुम अर्तुरुल? जब उन्होंने मेरे हाथ में कील गाड़ी तो वो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। मैं अपने भाई को दुश्मनों के रहम और करम पर नहीं छोड़ूंगा। हमें छोड़कर ना जाएं आप। हमला हुआ है, मंगोलों ने हमला कर दिया है हम पर। हथियार उठाओ अपने। मंगोलों ने हमला कर दिया है हम पर। बोलो ये जंगला, जल्दी। Oh!
उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे आप सब। अल्लाह का शुक्र। तुम लोग ठीक हो ना? हाय मखानम, आर्तक भाई कैसी है वालिदा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह किसी को ऐसी तकलीफ में मुब्तिला ना करे सलजान खातून। एक तरफ वालिदा की अपनी तकलीफ और दूसरी तरफ आपकी। उस पाक जात ने बहुत करम किया है इन पर।
ये सारी मुश्किलात तुम्हारी वजह से हैं अर्तुरुल। तुम्हारी हर धर्मी ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया है। मामूजान, मंगोलों का हदफ कुछ और था जो मालूम है आपको अच्छी तरह। तू तकिन मारा जाए या अर्तुरुल की जान चली जाए, वो कबीले वालों को, हमारी औरतों को, यहां तक कि हमारी माओ बहनों को खेमों के अंदर घुस के खत्म कर देंगे। बहुत हो गया मामूजान, बहुत हो गया। ये सब किसके हुक्म पर हो रहा है अभी तक नहीं समझ पा रहे आप? मुझे कैद करने के लिए आपने अपना हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, मगर देखे मैं निकल आया बाहर। अब मैं खुद चलकर अपनी मर्जी से उस कैदखाने में जाऊंगा। आप जानते हैं क्यों मामूजान? इसलिए कि आपको उस हकीकत का इल्म हो जाए जो आप नहीं जानते। अब फैसला कल जिरके में ही होगा। नौयान कैसे धूल झोंकता है आप देख लेंगे। कल जिरके की कार्रवाई के बाद मैं तुम्हारे कटे हुए सर से उबलता हुआ खून देखूंगा। कातिल! हमें तूतकिन को हर सूरत कबीले वापस लाना होगा। उसका बेहोशी की हालत में आना मुझे सजा से नहीं बचा सकेगा भाई। अगर उसे रास्ते में यह कबीले आने के बाद कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। आर्तुक भाई के साथ जाकर मैं उसे देख आता हूं। अल्लाह आपकी मदद फरमाए। आमीन। चिरके के बाद कल सजा पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। अर्तुरुल की हर सांस हमारे लिए दुख और मौत के पैगाम के अलावा कुछ नहीं। बिना खौफ और वहशत के साए में शैतानों के इस हमले की जुर्रत मुंह बोलता सबूत है। तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो कारापे। इस हमले से अर्तुरुल का क्या वास्ता हो सकता है? वो तो कैद खाने में था उस वक्त, और कल शायद सजाए मौत हो जाए उसे। कराबे दुरुस्त कहता है, कबीले का दिफा कमजोर था। गुंदोगदू और तुमने मिलकर सारे मुहाफिजों को कबीले से बाहर भेज दिया। क्यों? ताकि दोनों आपस में दस्तों गिरेबा न हो। कमिश्तकिन भाई, आप दो दुर्गा के सिपाहियों को नीचे वादी की तरफ जाने का हुक्म देंगे और मैं अपने सिपाहियों को नीचे दरिया की तरफ ले जाऊंगा। सिर्फ मुहाफिज जंगजू ही कबीले के अंदर मौजूद रहेंगे। दोनों अताकों के लोगों की, सरदारों की और साथ ही कैदखाने की हिफाजत की जिम्मेदारी होगी। और नौयान ने मौके का फायदा उठा लिया। वो यहां मरने के लिए आए थे। कबीला फतह करना मकसद नहीं था उनका। हम में से किसी के भी वहम गुमान में नहीं था कि हमला इतना शदीद होगा। दुरुस्त कहा, लेकिन पूरे वाकये का जिम्मेदार तूतकिन का सफा कातिल अर्तुरुल है। जब तक मैं उसका कटा हुआ सर न देख लूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मामूजान, पहले हमजा, उसके बाद अब्दुलरहमान और फिर हमारे 12 जंगजुओं ने हमारे साथ गद्दारी की। आप सही कहते हैं कि हमारे कबीले में गद्दार मौजूद थे जो जंग का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और हिम्मत हार गए और जाकर नौयान के पालतू बन गए। लेकिन
उनमें से कोई भी गद्दार कोजाबाज जैसा यार और सफाक नहीं था। हमारी सारी कमजोरियों का फायदा उसने नोयान को पहुंचाया, क्या आपको अब भी यकीन नहीं? बेवजह कोजाबाज पर इल्जाम मत लगाओ गुंडोगदू, वो तूतेकिन का जंगजू था जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाई और तुरुल ने उसे भी मार दिया। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर इल्जाम लगाते हुए? जब तक आपके खेमे में गद्दारों की रसाई होती रहेगी आपकी मुश्किलात कभी नहीं हल होंगी मामूजान। कहना क्या चाहते हो गुंडोगदू? इस दफा किस पर बहुतान लगाने आए हो? जिसको आपने अपने मरहूम बेटे तूतकिन के खेमे में ठहराया हुआ है। काराबे की बात कर रहा हूं मैं। हाथ में रहो अपनी। कहना क्या चाहते हो तुम बदबख्त? चले जाओ यहां से गुंडोगदू। इस बेबुनियाद इल्जाम का कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? हाँ, अर्तुरुल जब नोयान की कैद में था तो ये आदमी उस शैतान की आमाजगा में उसके साथ मौजूद था। तुम्हारी और मजीद बकवास नहीं सुनना चाहता मैं, समझे? चले जाओ यहां से गुंडोगदू। सुना तुमने? वरना मैं यहां से बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। वो मंगोल काफिर जब मेरे भाई को एक हाथ से माजूर कर रहे थे तो ये इसी तरह वहां खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था बदबख्त। बहुत हो गया। क्या ये सच कह रहा है काराबे? क्या तुम उस गद्दार अर्तुरुल की बात का यकीन करोगे? मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो मुझे। याद रखना कल फैसले की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुमने गलत बयानी की तो अर्तुरुल से पहले तुम अंजाम को पहुंच जाओगे। गुमुश्तकिन, बस बहुत हो गया। मुझे जवाब चाहिए काराबे। हाँ, ये सच है। ये आप क्या कह रहे हैं काराबे? नोयान के साथ थे आप? हाँ, लेकिन सादतीन कोपे के हुक्म पर अम के सफीर के तौर पर गया था मुहायदा करने उससे, यही वजह थी। लेकिन उसने कोई भी पेशकश नहीं मानी हमारी, यही है असलियत। झूठे मक्कार हो तुम। जबान संभाल कर बात करो वरना तुम्हारा हाल तुम्हारे भाई से बदतर होगा। अगर अब भी गुंजाइश है शक की तो खुद जाए और जाकर पूछ ले सादतीन कोपेक से। कल जिरगे के सामने इस बात की सफाई पेश करेंगे आप। मैं तुम्हें इतने आराम से वापस नहीं जाने दूंगा काराबे, याद रखना। सुना है आप भी मंगोलों के खिलाफ खूब बहादुरी से लड़ी हैं। काई कबीले की औरतों की तरह गुंडोगदू साहब, हर शख्स ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। मेरे बाबा ने मेरी तरबियत बिल्कुल एक जंगजू की तरह की है, इसीलिए मैंने भी भूपी जान के साथ मिलकर आपकी बीवी और बहन का साथ दिया। आप ठीक तो है ना? हमें कुछ नहीं हो सकता जब तक आप सलामत हैं। आपकी दूरंदेशी और बसीरत की हमें इन हालात में सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया। बताओ मुझे क्या वास्ता है तुम्हारा नोयान से? क्या कर रहे थे तुम वहां?
मुझे गलत नहीं समझो को मुश्ताकिन, बाकी सब की तरह तुम्हें भी हमारी जरूरत है। तुम्हें वही करना है जो कहा जाए। अर्तुरुल का सर कलम हो जाना चाहिए चिरके के बाद। कोई भी मुझे धमका नहीं सकता। अब सच बताओ मुझे, क्या तुमने सच कहा है कि तुम नोयान की छावनी में वाकई मुआहिदा करने गए थे? इतनी अहम खबर मुझे क्यों नहीं दी गई, बताओ मुझे। क्योंकि रियासत इसे खुफिया रखना चाहती थी। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। क्यों? अर्तुरुल का साथ दोगे तुम मेरे खिलाफ जाकर, वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है समझे। अर्तुरुल की मौत लाजमी है, वरना तुम्हारा खेल खत्म को मुश्तकिन। सादतीन को बेक हर शय हासिल कर लेता है, भूलना नहीं ये कभी। सरदार, तू तो किन जिंदा है? कहाँ है वो, बताओ कहाँ है? ये नहीं सुन सका मैं। क्या सुना है तुमने? पूरा सच मालूम करो समझे, और सबका ताकुब करो। बहुत खूब खादिम, बहुत खूब। आफरीन है खादिम, आफरीन। बहुत शुक्रिया मेरी बेटियों। आप लोग बाहर जाएं, मुझे वालिदा से कुछ बात करनी है।
को उर्कुत भाई क्या कहते हैं बेटा? बहुत गुस्से में है मामूजान। मंगोलों के हमले का जिम्मेदार भी अर्तुरुल को ही समझते हैं। तौबा है मेरे रब, कल चिरके की कार्रवाई में क्या होगा? गुंदोगदू, सब कुछ बताओ मुझे बेटा, ताकि कोई सही फैसला कर सके हम। तू तक इनकी हालत इतनी बेहतर ना हुई कि वो बयान दे सके, तो मेरे भाई को बेकसूर साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नयान को कबीले में दोबारा पंजे काटने का मौका नहीं मिलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्तुरुल को कल किसी भी कीमत पर सजा से बचाना होगा। वो नयान अगर कल कामयाब हो गया साजिश में, तो ना सिर्फ हम अर्तुरुल की जिंदगी बल्कि ये जंग भी हार जाएंगे बेटा हम। अर्तुरुल को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे वालिदा, भरोसा रखे मुझ पर। कितना अच्छा हुआ कर तू तक इन कबीले वापस आ जाए, इस तरह भाई का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और अर्तुरुल भी इंतकामी कार्रवाई से बच जाएगा बेटा। नहीं वालिदा, अर्तुरुल तू तक इनको इस हालत में यहां लाने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। अर्तुरुल को बेकसूर साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तू तक इनकी गवाही वालिदा। तो फिर हमें अल्लाह से तू तक इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करनी चाहिए, ताकि वो चिरके में गवाही दे सके। अच्छी उम्मीद है मुझे, इब्नुल अरबी भी उसके पास मौजूद है, मैं भी जल्द उनसे मिलने जाऊंगा, आपके लिए दुआ की दरखास्त करूंगा। इंशाल्लाह तुम अच्छी खबर लेके लौटोगे, जाओ बेटा। इंशाल्लाह वालिदा। मौत की दहलीज पर बाबा से मुलाकात हुई। वालिदा, उन्होंने कहा तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं नहीं हारूंगी बेटा। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा, अपने बच्चों को नजरों से दूर मत करना। ये भी कहा उन्होंने मुझसे, वो रोशनी जो पूरी दुनिया रोशन करेगी, वो रोशनी इसी खेमे से निकलेगी बेटा, इसी खेमे से निकलेगी। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। अब आप आराम करें। सुलेमान, आखिरकार हलीमा सुल्तान उठ गई हैं।
इस बूढ़े को भी उठाओ जल्दी। चाहते हो तुम लोग? सुंगुर तुकेन के वो दस्तावेज जो तुम कोनिया लेकर जा रहे हो, ये किस बारे में बात कर रहे हो और कौन हो तुम लोग? अर्तुरल की औलाद की खातिर जो पूछ रहा हूं वो बता दो। वरना मैं तुम्हारे बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मौत की नींद सुना दूंगा। ये जो कह रहा है मान लो बेटी, अपनी औलाद की खातिर ये जो भी जानना चाहता है बता दो इसे। दस्तावेज यहां मौजूद नहीं, अस्तबल में। अगर कोई चालाकी दिखाई तो तुम दोनों मारे जाओगे। उठ जाओ। उठो। हक़े अल्लाह। कहाँ रखे? बताओ कहाँ है दस्तावेज? बिल के अंदर है। चलो बेटी जल्दी करो। घोड़े लाओ जल्दी, घोड़े लाओ। भाई ये तो गया काम से। तुम्हारे मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकली भी है? इसे फौरन कबीले ले जाना होगा। मरने से पहले कम से कम एक काम तो अच्छा कर जाए। नहीं, अर्तुरुल भाई को फंसाने के लिए ये रास्ते में खुद ही मर जाएगा, नामाकुल इंसान। मेरे भाई हायमा खानम का भतीजा है, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर भतीजा है तो क्या हुआ दुआन? आज इसी की वजह से अर्तुरुल भाई इतने बड़े खतरे में है। या अल्लाह सब्र दे। और कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। इसे कबीले ले जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है।
अगर हमारे भाई ने खुद कबीले जाकर इतना बड़ा खतरा मोल लिया है तो कुछ तो सोचा होगा। चुप हो जाओ, तुम्हें तो हर चीज गलत लगती है। मैं तो जा रहा हूं कबीले, भाई को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ, अगर किसी ने भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा, देख लेना तुम। सब्र रखो मेरे भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ मेहमान आए हैं। खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है बमसी, कहाँ की तैयारी है? हवा भाई, हवा खाने जा रहा था, यहां बहुत गर्मी है ना। बैठ जा, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ। आला हजरत, खुशामदीद, हिम्मत बड़ी आपको देखकर। आपके यहां होने से मुझे और वालिदा को बहुत इत्मीनान हासिल हुआ है। हम कबीले के लिए आपकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकते, हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जज़ाकअल्लाह। सुलझान बेटी कैसी है? अब कैसी तबीयत है? जो हमारे बस में था हम सब कर चुके हैं भाई। अंधेरे को चीर कर उसमें से दिन निकालता है जो, उसी ने हमारे आराम के लिए रात बनाई, उसी ने चांद और सूरज बनाए, जो उसी के हुक्म से अपने मदार में महवे हरकत हैं। एक तरफ दवा अपना असर दिखाती है और दूसरी जानिब दुआएं दिलों के इत्मीनान का बाइस बनती हैं, और यही अल्लाह की बड़ाई है, वही शिफा देने वाला है। कुछ ही देर में जिरगा शुरू होने वाला है, लेकिन लगता यूं है कि मौत की सजा का फैसला पहले ही हो चुका है। आराम से, इत्मीनान रखो, सिर्फ तुम लोग ही नहीं जो अजियत में हो। आगे की हिकमत अमली क्या होगी अब सोचना यह है। नोयान पहले से ज्यादा वैशी हो गया है। गुज़िश्ता रात उसने अपने सबसे खतरनाक सिपाही हमले के लिए भेजे थे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई, इतनी शरंगेजी? हालात काबू से बाहर हो चुके हैं, जंगजू हमारे तैयार हैं, सिर्फ मेरे हुक्म का इंतजार है। कबीले के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि अर्तुरुल के खिलाफ साजिश की जा रही है, हम सब भी उसका साथ निभाएंगे। इसलिए तू तक इन जैसे ही होश में आ जाता है इसे कबीले लेकर पहुंच जा। भाई, हमें यहां मत छोड़े, हमें भाई के साथ लड़ने और शहीद होने के हक से महरूम ना करें। गुंदोगदो, तुम इन बहादुरों को साथ ले जाओ अपने। अल्लाह जब हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है तो एक कमजोर से मकड़ी के जाले से वो हिफाजत करता है। अल्लाह मदद करेगा। ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया भाई। हमारे कबीले पहुंचने तक तुम्हें इंतजार करना होगा ताकि तुम्हारे लिए कोई राह हमवार कर सके हम। बहुत शुक्रिया। अगर आज आपके इस जिरके में इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो याद रखिएगा, और वो उस कबाइल बिखर के रह जाएंगे। मार दो इस बूढ़े को। नहीं, नहीं। और हलीमा सुल्तान को
नोयान की कैद में ले चलो। अगर जल्दबाजी में आपने उसका सर कलम कर दिया तो बाद के हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे।